अब हो गया। उसको बड़ा कर देता हूँ ना, वो तो ढूंगन डाकू डाल देता हूँ। ये ना पर उसको मांगना तो मैं चुप रहूँ यार, कैसी कर रही हो यार आप? अपन दोनों है ना इधर मुकाबले के, वो परी ज्यादा मुकाबले की नहीं है, वो जान गंदा है, वो कुत्ता उसे लेना। हो गया तो यहाँ पे मैं है ना ये इनकी हेयर कलर कर दे रही हूँ शाम को 4 बजे। ये बोले कि मेरे है ना बाल पक्के जैसे लग रहे, तो मैंने जल्दी में बोली चलो मेहंदी लगा देती हूँ। और ये ना अपने फेस को लेकर और हेयर को लेकर है ना बहुत ही मतलब टेंशन भरे रहते हैं उनको। अपना बाल भी मतलब ये नहीं होना चाहिए सफ़ेद, और फेस भी काला नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे मतलब अपन उनको बोल दो कि तुम की गुड मॉर्निंग पढ़ाई हो गई। ये मिर्ची है ना कैची से काटा करो, हाथ में तीखा लगेगा। अभी ये इसमें तो पीस तो अभी के आज का क्या ब्रेकफास्ट है घर में हो तो? पेपर चल रहे हैं उसका नहीं टेंशन, नो टेंशन नहीं। ज्यादा मिर्ची डाल रहे तो क्या? नहीं नहीं ज्यादा मिर्ची नहीं डालना बस। हाँ गाने बंद कर देना डिंकी परी परी। हाँ ऐसे कर। हाँ देखना मैं कर दूँ क्या? पत्ता गोभी में डाल, नहीं नहीं पत्ता गोभी नहीं, शिमला मिर्च डाल दो और ये डाल दो। आलू की भी डालती नहीं, आलू के बिना मैगी अच्छी नहीं लगती। तो गाइस यहाँ पे डिंकी आज बना रही है मैगी, और बारीक कर लो। ला मैं कर देती हूँ, बहुत टाइम तक करो करो ना तो सही हो, मतलब निकालना ही नहीं जब तक होता ही नहीं, यहाँ से दिख जाता है ऐसे झटका दिया कर। हाँ और जोर से खींच। तो यहाँ पे गाइस डिंकी बना रही है मैगी, और मैं थोड़ा सा अभी जस्ट नल वल पानी वानी भर लिए। देखिए मैं ऐसे पानी भरती हूँ ताकि गर्मी में है ना एक दिन छोड़ के नल आता है ना, टंकी तो भरती नहीं है, तो ये नहाने के लिए ये पानी यूज़ करते हैं हम लोग। ये देखिए बर्तन हो गए मेरे, अब कपड़े भी हो गए, बस पोछा लगाना बाकी है। तो मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो क्योंकि गर्मी के दिन है। और परी देखो कैसे बैठी है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मैंने कल जो स्कूल टाइम हमने पार्टी मनाई थी उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था, उसके बाद डायरेक्ट आज मिल रही हूँ आपको। तो अभी सब काम हो गए थे तो डिंकी बना रही है मैगी, तो मैंने सोचा चलो तब तक के लिए आपके साथ बात कर लेती हूँ। तो मैगी तो बहुत ईजी, उसके पेपर है फिर भी वो मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब अभी थोड़ा 5 बजे से उठी है तो अभी भूख भी लगी है, तो अभी पढ़ाई करके जस्ट वो होगी तो बोली थोड़ी रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं कि चलो पढ़ाई करो ऐसे, जब उनका मन होता है तभी वो पढ़ाई मतलब याद भी रहता है, और अपन ज़बरदस्ती से उन पर थोपा जाए ना तो उनको भी याद नहीं रहता है, तो उनके मन के हिसाब से। और मॉर्निंग में तो मैं उनको उठाती क्योंकि मॉर्निंग का जो याद करना रहता है ना, शांत वातावरण रहता है, मौसम मतलब अच्छा रहता है शांति का, नहीं तो क्या गाने वाने बजते रहती है उधर उधर। तो सुबह का जो मॉर्निंग का 4 बजे उठ जाती है, 4:30 बजे या 5 बजे, तो वो पढ़ाई वो मतलब स्कूल अभी आज बंद है उनकी, अभी तो बंद हो गई है क्योंकि अभी उनके पेपर एग्ज़ाम आने वाले हैं, और बोर्ड परीक्षाएं 8वीं की परी की है और 10वीं की उसकी है, तो दोनों की थोड़ी लेट हो जाएगी, नहीं तो अभी तक तो इन लोगों के पेपर हो जाते, तो इसलिए ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऊपर से इन लोगों ने कोचिंग भी नहीं लगाई तो टेंशन बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। तो देखते हैं अब नहीं भी हो तो भी भाई सोचते डिंकी वॉइस हो रही है तो इसलिए थोड़ा टेंशन प्रेशर मेरे ऊपर है, ताकि लोग मुझे बोले नहीं कि अरे बच्चियों को मतलब पढ़ाए नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उस उनको बोली थी कि कोचिंग लगाओ लेकिन
इस बार वो बोले कि इस बार देखते हैं मम्मी। और आज इस मैंने नर्सरी से उनको कोचिंग लगाई थी, लेकिन इस बार जैसे कोरोना, मतलब वो कोरोना से नहीं जाने लगे ना, तो उनका मन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे कोई अच्छी कोचिंग वाली भी नहीं मिली थी। पैसे भलाई लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करना जरूरी रहता है। तो इस चक्कर में मैंने ना, मैं उनको इतने पीछे लगी दिवाली तक, बोली नहीं नहीं। तो देखते हैं भाई, जो भी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि मैं उनके पीछे ये लेके रहूँ पट्टा कि बैठो पढ़ाई करो। उनके मन के हिसाब से वो करते हैं, टीवी भी देखते हैं, खेलते भी है। तो बस यही आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी। तो जो भी ये भाव अभिभावक अपने बच्चों को, जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को ज़्यादा मतलब ये नहीं करना चाहिए डिप्रेशन, मतलब अच्छा माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खेले भी कूदे भी, टेंशन भरा दिन रहता है। अभी तो पढ़ाई हो गई है उनकी, बस उनको तो अभी रिविजन करना रहता है। तो ये बोरिंग ज्ञान की बातें अगर आपको दी होगी, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगे तो भी बोल देना, ठीक है। फिर मैं आपको ना मैगी के बाद मिलती हूँ। पानी है, पापा चिल्लाएंगे। पानी है मम्मी। देखो गाइस, डिंकी है ना ऐसी ऐसी तेल डालती है यार। हाँ तेल है तो यहाँ पे। हाँ मैगी तो बहुत अच्छी बनेगी डिंकी, तेल है ना पड़ी है देख बरा। हाँ पानी भी है इसके साथ, पानी थोड़ी डालते हैं, पानी तो बाद में डालोगी ना। चिपक गया ना तो थोड़ा सा छोड़ते हैं वो टमाटर का पानी। ऐसा लग रहा है रोटी लो और खा लो, किस किस का मन हो रहा है मसाला देखने के बाद। ये चटोरी देखो ऐसे काट और चाट, ये मसाला है ना ये ऐसे चाटती है परी, है ना परी, होगा ना उसमें बचा। दूसरा वाला भी डाल दिया, रुक अभी तुम मैं देखती हूं। दे देना परी उस डिंकी उसको। हाँ पहले पानी छोड़ती ना यार, हमेशा मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ, मैं अलग बनाती हूँ। कैसे कर रही है परी इसमें होगा ना ये जो मसाला, ये बचता है ना, ये परी मस्त खाती है। कब से नहीं खाया। ये चाट ले, ये काट ले और ये चाट, मजा आती है इसमें। खा ले खा ले करो ना। ले हम रेडी है कब से तैयार, दे दे हमें जल्दी मैगी रे। पानी खा देना, जल्दी जल्दी बना, ठीक है। पानी ज्यादा डालना है। हाँ पानी अच्छा खासा डालना ना, मतलब सूखी बनाना, गीली नहीं। वाह तो गाइस मैगी तैयार गर्मा गर्म, किस किस को खानी है मैगी तो आ जाइए। परी लो भाई।